दोस्तों नमस्कार, डैटसन रेडिगो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं डैटसन रेडिगो के अंदर जब गाड़ी रफ रोड पे चलती है तो उस टाइम पे पीछे की साइड से एक एबनॉर्मल साउंड आता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो वो साउंड कहाँ से आता है, किस चीज़ का आता है और क्या पार्ट उसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, वो चीज़ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, आपकी जो डैटसन रेडिगो गाड़ी है जब आप चलते हो रफ रोड पे लेके, तो उस टाइम पे पीछे की साइड से आवाज़ आती है कुछ चूँ 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 इस टाइप की, खड़खड़ खड़खड़ दो तीन एक दो टाइप की इस तरह की आवाज़ आती है। वहाँ पर हम कंफ्यूज रहते हैं, हम डीलर पे भी जाते हैं, जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम गाड़ी दे देते हैं। बट होता क्या है, जो टेक्नीशियन है वो सीट वीट वगैरह एडजस्ट करके उनको बोल नट बोल्ट वगैरह टाइट करके, स्टेपनी वगैरह पीछे रखा रहता है, जैक रोड स्पैनर वगैरह उन सबको अच्छे से टाइट करके हमें दे देता है, ठीक है। और एक दो किलोमीटर का रोड टेस्ट करता है, करने के बाद उसको आवाज़ आती नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो गाड़ी आपको डिलीवर कर देता है, बट वो आवाज़ उस चीज़ की होती ही नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज मैं उसी चीज़ को बताने वाला हूँ, वो किस चीज़ की आवाज़ है और क्या पार्ट रिप्लेस होगा, ठीक है। जब ये गाड़ी आई थी, लॉन्च हुई थी, तो होने के बाद इस गाड़ी के अंदर ये आवाज़ कुछ किलोमीटर चलने के बाद, यानी मतलब 8-10 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल गई थी, चलने के बाद ये आवाज़ गाड़ी में आना स्टार्ट हुआ था। और उसमें हमने एक मतलब डैटसन डीलर ने एक भोगली रिप्लेस की थी जो सोकर के ऊपर लगी रहती है। तो बस आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने वाला हूँ। तो जो पीछे वाले डिक्की सोकर होते हैं उनमें ही आवाज़ आती थी और उनका क्या पार्ट हमें रिप्लेस करना होता था, वो चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, सस्पेंशन की वीडियो मैंने डाली है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और भी एक दो वीडियो उनके लिंक भी डाल दूंगा जो आपके काम से रिलेटेड है, मतलब आपके फ़ायदे से रिलेटेड होंगी। कुछ वीडियोस के लिंक भी मैं डाल दूंगा डैटसन रेडिगो से रिलेटेड, ठीक है। तो जो सस्पेंशन के रियर वाले सोकर जो होते हैं, सस्पेंशन की वीडियो डाल दूंगा मैं, आप देख लेना, ठीक है। अभी क्या करना है, वो भोगली होती कैसे है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वो भोगली है, ये मैं आपको बताऊंगा सोकर पे लगी कहाँ होती है। पहले जो इसकी लेंथ थी 28.5 mm होती थी ओल्ड पार्ट की, एंड इसके बाद जो हमने रिप्लेस करके इसमें लगाई थी, मतलब आवाज़ बंद करने के लिए, उसकी लेंथ बढ़ा दी गई है 31 mm हो गई थी। अब उसके होने के बाद क्या होता था, जो सोकर के ऊपर रबर बुश लगे रहते थे ना, इस भोगली के ऊपर वो रबर बुश थोड़े से बाहर निकल जाते थे, ये छोटी पड़ जाती थी। अब बाहर निकलने की वजह से उस पर लोहे की जो है ना क्या नाम, बुश के ऊपर एक वार्सल टाइप लगी रहती, तो वो वार्सल क्या होता था, सोकर के अंदर जब ये छोटा हो गया तो वो ऊपर आ गई वार्सल, तो छोटे होने की वजह से वो लोहे की वार्सल उस सोकर के बोल्ट पे टक 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 इस तरीके से लग लग के नॉइस करती थी। अब जब इसको हमने बड़ा कर दिया, मतलब डैटसन ने इसको बड़ा कर दिया 31 mm कर दिया, तो वो जो वार्सल है वो उसके लेवल में आ गई, आने के बाद वो आवाज़ बंद हो गई, ठीक है। अब उसका पूरा प्रोसेस मैं दिखा देता हूँ, वो बंद कैसे हुई और कहाँ पर वो सोकर लगा रहता है और किस जगह पर ये इसकी लोकेशन है। तो दोस्तों जब आप अपनी गाड़ी का डिक्की ओपन कर देते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ दो, बिल्कुल मेन मुद्दे पे चलते हैं। डिक्की ओपन करने के बाद आपने देखा हो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐसे रबर टाइप से वो लगे रहते हैं ब्रैकेट, मतलब कवर टाइप से, ठीक है। अब जब उनको आप खोलोगे, उनको खोलने के लिए एक लोक यहाँ पर लगा रहता है, एक लोक यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ इस लोकेशन पर जब इस कवर को आप निकाल लोगे, हटा लोगे लोक खोलने के बाद, तो इसके नीचे हमें ये सोकर दिखाई देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ये सोकर का बोल्ट है यहाँ पर, ये वाला बोल्ट होगा, इसको खोलना होगा। खोलने के बाद हमें क्या करना है, ये वार्सल ऊपर निकाल लेना है बाहर की तरफ, ठीक है। ये रहा ना, देखिए एरो बना हुआ है, ये वाला वार्सल हमें बाहर निकाल लेना है, ठीक है। वार्सल को निकालने के बाद ये देखिए इसकी भोगली आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दिख रही है ना, ये इसको हमें हाथ से ऐसे ऐसे उठा के ऊपर बाहर ले लेना है, आराम से ये बाहर आ जाती है। फिर उसके बाद नई 31 mm की जो है सॉकेट, जो भोगली है, उसको हमें यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद ऊपर से वार्सल लगा देना है, लगाने के बाद फिर उसके बाद ऊपर से नट टाइट कर देना है। नट टाइट करने के बाद गाड़ी का फिर वापस ये ब्रैकेट वगैरह जो ब्लैक कलर के जो कवर थे उनको वापस लगा के लोक, जो जहाँ जहाँ से लोक खोले थे वो लोक लगा दें। लगाने के बाद पीछे का डिक्की वगैरह ये होता है, एक्चुअली ये है कि निशान डीलर ने जो डैटसन ने अच्छे से दिखाया कि तुम्हें क्या क्या खोल लेना चाहिए, पर कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब खोलने की। ये आप आराम से दो ये कवर खोल के, आप ये बोल्ट खोलने के बाद, ठीक है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। करने के बाद आप रोड टेस्ट कीजिए, आपकी गाड़ी में
एबनॉर्मल साउंड जो आ रहा था सोकर की वजह से वो बंद हो जाएगा, गाड़ी ओके हो जाएगी आपकी गाड़ी, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, और ये जो आप मैं बताऊं, ये जो आपको आप सोचोगे कि यार ये भोगली कहाँ मिलेगी, ये डीलर पे मिल जाएगी, जाओ आप बताना कि ये पीछे से आवाज़ आ रही है, तो ये मिल जाएगी, आप लगवा लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।